नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सुबह की जब आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं और बिहार की सियासत को करीब से समझते हैं, उन हर लोगों के मन में ये सवाल हैं कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव हैं वो जानना चाहते हैं, बिहार के लोग जानना चाहते हैं, देश के लोग भी जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसी हो रही है, एनडीए के लोग क्या सोच रहे हैं, महागठबंधन के लिए क्या सोच रहे हैं। और हम कई सारी वीडियोज़ में कई सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन कहाँ से टिकट पा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी जल्दबाजी हो जाएगी। फिलहाल अभी इस पर चर्चा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो दिखते हैं आर हो या पार हो, आर हो या पार, लड़ने को हैं ये तैयार। चुनाव तो ये लड़ेंगे और लड़बे करेंगे। अगला साल चुनाव, जब चुनावी बिगुल बजेगा, तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं, कईयों नेता हैं, चर्चा तो बहुत है, लड़ेंगे तो लड़ेंगे, तय है। नहीं, आलोक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो राजनीति करते हैं वो चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और सिर्फ हम महागठबंधन और एनडीए की बात क्यों करें, उनमें भी कई नेता हैं जिनमें चुनाव लड़ने की बेटा भी है, और चुनाव लड़ने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं। ये टफ लाइन आप बोल रहे हैं जी, तो इस बात को समझिए। तो हमने कहा, देखिए, जो सवाल आपने पूछा कि आर या पार लड़ने को है तैयार, हम आज के वीडियो में उन नेताओं की बात न करें जो सांसद हैं या जो किसी पार्टी में मजबूत दावेदार हैं, ठीक है ना? उनकी बात नहीं करेंगे, उनकी बात ना करें, जो पैदल हैं उनकी बात करें, और जो कोई पैदल नहीं है लेकिन दिल्ली जाना चाहते हैं उनकी बात करें, ठीक है ना? तो देखिए, 14-15 नाम तो आपको हम ऐसे बता देंगे, 14-15 नाम तो है। पप्पू यादव शुरुआती, लड़ना ही लड़ना है, महागठबंधन की ओर कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचे न पहुंचे, चुनाव तो पप्पू यादव को लड़ना है। लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ना का सवाल ही नहीं है, ना का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब कहां से लड़ेंगे, किस तरीके से लड़ेंगे, यह देखने की बात होगी। यह तो दूसरी बात है कि रंजीत रंजन सांसद बन गई राज्यसभा की, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की, नहीं तो वो भी लड़ती, किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं थे। तो महागठबंधन की ओर कदम बढ़ रहे हैं, कुछ एडजस्टमेंट की बात चल रही है, देखने की बात होगी। अब देखिए, शाहनवाज हुसैन एक बड़े नेता बीजेपी के, केंद्र में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री, अब भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार में उद्योग मंत्री रहे, अच्छा काम किया, लेकिन उनकी हसरत है कि मुझे भागलपुर लड़ना है तो लड़ना है। दो दिनों पहले जब सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे, वहां रथ पर सवार हुए, तो साथ में शाहनवाज हुसैन भी थे, भागलपुर की राजनीति गरमा गई और 2024 की तस्वीर दिखा गई, लेकिन होगा क्या यह देखने की बात है। अब आरसीपी सिंह, जिस वक्त हमारे दर्शक के बेहद करीबी जी, जिस वक्त हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को समझें कि आरसीपी सिंह अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन अगले कुछ हफ्ते में वे बीजेपी में होंगे, तो उन्हें भी चुनाव लड़ना है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि बीजेपी वाले उन्हें राज्यसभा में भेज दें, राज्यसभा की सीटें बहुत बस्ती भी नहीं है। केंद्र मंत्री थे, हाँ ठीक है, राज्यसभा से थे, नीतीश कुमार ने ही भेजा था, तो जेडीयू को तोड़ भी नहीं पाए, बिहार में सरकार भी नहीं गिरा पाए, तो 2024 तो उन्हें लड़ना होगा। अब नालंदा से लड़ें या मुंगेर से लड़ें या कोई और क्षेत्र देखा जाए, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे, लड़ना ही पड़ेगा ना, यदि राजनीति में रहना है। सच्चिदानंद राय MLC बन गए, अभी जनसुराज के साथ हैं, जनसुराज के साथ हैं। देखिए, निर्दलीय जीते जी, निर्दलीय कैसे जीते, जब उनका टिकट काट दिया गया, और 2019 में भी वे चुनाव लड़ना चाहते थे, नाराज हो गए थे, भूमिहारों की उपेक्षा की बात हो गई थी, याद कीजिए, अमित शाह ने चार्टर्ड फ्लाइट से उड़ीसा बुलाया था और उड़ीसा में मेफेयर में मीटिंग हुई थी भुवनेश्वर में, सच्चिदानंद राय, सीपी ठाकुर, महाचंद्र प्रसाद सिंह, सतीश चंद्र दुबे, तमाम लोग। तो सच्चिदानंद राय 2019 से अपना दुश्मन नंबर वन मानते हैं महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीपाल को, ठीक है ना, और यह भी मानते हैं कि बिहार विधान परिषद के चुनाव के वक्त टिकट कटवाने में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की भूमिका रही जी। तो इस बार वे कमर कसे हुए हैं, प्रशांत किशोर का भी साथ मिल गया है कि हरा ही देना है, ठीक है ना, हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे यह दूसरी बात है,
कि वहां दो बाबू साहब लड़ेंगे यदि एनडीए से और महागठबंधन से, तो जनसुराज वाले सच्चिदानंद राय की क्या तकदीर बनेगी, क्या लिखी जाएगी, देखने की बात होगी। सारंज महाराजगंज तक पहुंच ही गए हैं, तो सिवान भी चलते हैं। नहीं, वहां भी आते हैं। तो देखिए, आजकल कह भी रहे हैं प्रशांत किशोर कि चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, बाकी किसी चीज की चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। सब कुछ, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, जीतने का रास्ता क्या होता है, संसाधन कितना चाहिए, सब कुछ का बंदोबस्त होगा। प्रशांत किशोर मंझे में जा खिलाड़ी हैं, उनको सब पता है। अब आपने कहा सिवान, चलते हैं उधर ही, चल रहे हैं। चलिए सिवान में देख लीजिए। सिवान में ही दो नाम है, हीना साहब क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या चुनाव नहीं लड़ेंगी? अगर टिकट नहीं मिला तो, टिकट नहीं मिला तो महागठबंधन की परिस्थितियों में वो सीट किसी और खाते में तो। वैसे तो हीना साहब के लोगों को उम्मीद यह है कि यदि टिकट पर फैसला कुछ दूसरा होता है तो इसके पहले बिहार विधान परिषद या राज्यसभा में एडजस्टमेंट लालू यादव करेंगे। लेकिन फिर से कह दें कि अब राजद में लालू यादव की नहीं चल रही है, तेजस्वी यादव की चल रही है, अकाउंटेबल टू तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी यादव। तो हीना साहब को देखना होगा, ओसामा भी हैं, कि साहबुद्दीन का सिवान, सिवान के साहबुद्दीन, क्या इस नाम को, क्या इस वजूद को 2024 के चुनाव में खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए ओम प्रकाश यादव, हम इसलिए बोले कि 14-19 वाले में एमपी थे, 14-19 वाले में थे, 9-14 वाले में थे, 9-14 वाले में तो खटिया छाप पर चुनाव जीत गए थे, ठीक है ना, हीना साहब को हरा कर। हाँ, हीना साहब को हरा कर, तो खटिया छाप पर चुनाव जीत गए थे। और 2014 वे बीजेपी के एमपी थे, 2019 में उनका टिकट काट दिया गया और वहाँ कविता सिंह को टिकट दिया, जेडीयू के खाते में सीट चली गई। तो देखिए अब सिवान में ओम प्रकाश यादव का एडजस्टमेंट कहीं है नहीं, तो ओम प्रकाश यादव भी देख रहे हैं कि मेरा क्या भाई, ऐसे ही लटके रहेंगे। और सिवान में मुरेठा सिंह को लेकर कई खबरें चलती रहती है, इसलिए ओम प्रकाश यादव और भी परेशान होते हैं। वो भी जय श्री राम वाले हैं। हाँ, वो भी जय श्री राम वाले हैं। अब देखिए ददन पहलवान, ददन पहलवान क्या करेंगे, बक्सर में जगदानंद को चुनाव हराते रहे हैं, और जब तक चुनाव हराने की ताकत फिर से अर्जित ना कर लें या लोकसभा चुनाव लड़ने की ताकत अर्जित ना कर लें, अहमियत क्या रह जाएगी, ददन पहलवान का नाम कहाँ रहेगा, तो देखना तो होगा। चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं। अब देखिए गुलाब यादव उधर मधुबनी, हाँ झंझारपुर और मधुबनी दोनों उधर ही मान लीजिए। 20 का चुनाव तो वो हार गए और अलग बात हुई। नहीं, 19 भी हारे, 20 भी हारे, लोकसभा भी हारे, विधानसभा भी हारे, लेकिन पत्नी को जितवा दिया। नहीं, अभी तो वो राजद में भी नहीं है, ठीक है, और दूसरे तरीके के विवादों में भी रहते हैं, लेकिन उनका प्रभुत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि सब कुछ से संपन्न है, पत्नी को एमएलसी बनवा दिया, बेटी को भी जगह दिला दी। तो 2024 का चुनाव वे नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब वे किस रूप में वहां चुनाव लड़ेंगे, अब देवेंद्र प्रसाद यादव भी बुढ़ापे में सक्रिय हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कि नहीं हमें लड़ना ही लड़ना है चुनाव, तो वो भी एक नाम है। अब देखिए अली अशरफ फातमी और अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये दोनों उम्र के उस जंक्शन पर हैं जहां 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। आखिरी गाड़ी है ये। हाँ, ठीक है, अगर इस गाड़ी पर नहीं बैठे तो फिर, हाँ, तो फिर उम्र जो है, तो इसलिए देखना होगा कि ये दोनों दोनों चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, चर्चा भी होती रहती है, लेकिन रास्ते में कील कांटे बहुत हैं, क्योंकि मुसलमान बनाम जय श्री राम का खतरा पूरे बिहार में मंडरा रहा है। अब देखिए पूर्णिया में उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह, आपको याद होगा 2014 में चुनाव हार गए थे वे संतोष कुशवाहा से, 2009 से 2014 तक एमपी थे बीजेपी से, 2019 में संतोष कुशवाहा चूंकि जदयू के उम्मीदवार हुए, एनडीए के उम्मीदवार हुए, तो पप्पू सिंह कांग्रेस में चले गए। वे चुनाव के समय ही आते हैं, इतने बड़े लोग हैं, समझे ना, इतना बड़ा घराना है, तो वे भी उम्र के उसी जंक्शन पर हैं जहां उनके लिए यह आखिरी चुनाव है। तो क्या संभावनाएं बनती हैं पूर्णिया में, कौन इधर होता है कौन उधर होता है, यह देखने की बात होगी। अब देखिए अख्तरुल ईमान जो ओबीसी की पार्टी के मुखिया हैं बिहार में, वे तो चुनाव लड़ेंगे, एकदम तय है। किशनगंज में उन्होंने 2019 में भी चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया था, और मोहम्मद जावेद जो इकलौते ऐसे उम्मीदवार थे जो महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीते थे, कांग्रेस सांसद बने थे, उन्हें अंत तक, मतगणना के अंत तक ऊपर नीचे का खेल देखना पड़ा था। तो अख्तरुल ईमान, देखिए तारिक अनवर बड़ा नाम, कटिहार से जीते थे, कटिहार 14-19 वाले में, कटिहार में अब तारिक अनवर, अब वहां जेडीयू के एमपी हैं दुलाल चंद गोस्वामी। तो तारिक अनवर जब भी लड़ते हैं जीतते हैं हारते हैं, हारते भी हैं तो बहुत कड़ा मुकाबला देते हैं। तो तारिक अनवर पहली कोशिश तो करेंगे कि राज्यसभा पहुंच जाए, ठीक है ना,
लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह या तारिक अनवर, यह देखने की बात होगी। लेकिन तारिक अनवर चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, आर्यपाल चुनाव लड़ने को हैं तैयार। तो देखिए अब आगे चलिए, देखिए चंद्रिका राय क्या उनकी किस्मत चुनाव के लिए बंद हो गई 2024 में, यह बड़ी बात है। 19 में तो हार गए थे, फिर 20 में भी हार गए, जेडीयू से थे जी। 19 हार गए, 20 हार गए, 19 में सारण से लड़े थे महागठबंधन के, महागठबंधन राजद के उम्मीदवार, तब वे ठीक थे, तब वे लालू यादव के संदी थे, ठीक है ना। तो अब देखिए वे न सांसद हैं न विधायक हैं, लेकिन मानते ये हैं कि छपरा में मेरा भी सिक्का चलता है, तो वे क्या बैठ जाएंगे जी। और क्या लालू परिवार या महागठबंधन के उम्मीदवार को आसानी से चुनाव जीतने देंगे, क्या वहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला पैदा करेंगे, यह देखने की बात होगी। अब देखिए रमा सिंह भी, उन्होंने 2019 नहीं लड़ा, 2019 वाले में रघुवंश प्रसाद को हराया था, रघुवंश प्रसाद सिंह ब्रह्म बाबा को। तो कानूनी दांवपेच क्या है वो बेहतर जानते होंगे, अपनी पत्नी को उन्होंने महनार से विधायक बनवा दिया, तो 2024 के लिए तैयार तो वे भी बैठे हैं कि वैशाली पर नजर है। अरुण कुमार जहानाबाद चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, हाँ। अब चिराग पासवान उनका एडजस्टमेंट करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं, कौन सी सीट दिला पाते हैं, आजकल चिराग पासवान के साथ है, यह देखने की बात होगी। लेकिन अरुण कुमार के जिन में डीएनए में चुनाव है, फाइटर हैं, लड़े हैं, जीते भी हैं, हाँ लड़े हैं जीते भी हैं। अब देखिए शरद यादव की विरासत का भी एक सवाल पैदा होता है, मधेपुरा में पिछली बार लड़े थे, हार गए थे, बिटिया ने तय कर दिया है कि भाई ही शांतनु यादव, तो मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। मरने से पहले शरद यादव ने भी अपनी सारी विरासत जो है अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में करा लिया था जी। तो तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बनती है, लोग पूछेंगे जिम्मेदारी बनती, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि शरद यादव प्रवासी कहाँ के, मध्य प्रदेश के, बिहार को उन्होंने कर्मभूमि बनाया, और शरद यादव के बारे में फैसला करने में नीतीश कुमार की भूमिका भी होगी, इस बात को समझिए। अब पुतुल सिंह के बारे में भी देखना होगा कि पुतुल सिंह क्या करती हैं, बांका से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हाँ बांका से लड़ेंगे, जीती भी हैं, हाँ जीती भी हैं। अब पुतुल सिंह लड़ती हैं कि वहाँ श्रेयसी सिंह को मौका मिल जाता है बीजेपी की ओर से, यह देखने की बात होगी। तो ऐसे कई और नाम हैं जो तैयार बैठे हैं, आर या पार लड़ने को है तैयार, लड़ने को लड़ेंगे तो लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ठीक है। महागठबंधन की बात होती है, एनडीए की बात होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम हमने आपको बताया है और अधिकतर संभावना है कि ये लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ऐसे कई और नाम निकलेंगे, ऐसे और नाम है, ठीक है। अभी तो जन स्वराज की आपने बात की तो उनके भी लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग बगावती सुर भी अपनाएंगे, जो अपने होंगे वो पराये हो जाएंगे, इधर वाले उधर होंगे, उधर वाले इधर होंगे। तो ये हमने इस वीडियो में मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के उन लोगों की चर्चा नहीं की जो या तो सांसद हैं या जिनके कदम गठबंधन की ओर बढ़े हुए हैं या जो स्वयं अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, गठबंधन के बारे में फैसला करते हैं। देखना होगा कौन कहां से लड़ते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़ेंगे और ये लोग अक्सर खेल बनाते भी हैं, बनी बनाए खेल को बिगाड़ते भी हैं, ये ध्यान रखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव 6 फॉलो करें। धन्यवाद।